ये हैं समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज। ये महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए और इनकी प्रसिद्धि छत्रपति शिवाजी के गुरु के रूप में अधिक हुई। बहुत ही विरक्त संत थे और ये हनुमान जी महाराज के अवतार थे। अब हनुमान जी के अवतार क्यों हुए, कैसे हुए, इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार श्री हनुमान जी महाराज के मन में आया कि मैं राम जी के साथ ही रहा, मैं रामायण का स्वयं एक पात्र हूँ, तो क्यों न मैं खुद ही एक रामायण की रचना करूँ। और उन्होंने कोई पुस्तक पर, कोई कागज़ पर, कोई पेन से नहीं रचना की, अपने नाखून जो उनके वज्र जैसे नाखून हैं उनसे शिलाओं के ऊपर खरोच करके संस्कृत में रचना की। बाद में उसका नाम हनुमान नाटक हुआ। तो जिस समय शिलाओं पर उन्होंने लिखा था, तो संपूर्ण रामायण लिखने के बाद, नाटक के रूप में लिखने के बाद उनका मन हुआ कि रामायण, राम जी की कथा जो इतनी सुंदर लिखी गई है, क्यों न एक बार वाल्मीकि ऋषि को सुनाऊं, जिससे वो इसे प्रामाणिक घोषित कर दें। जब वो कह देंगे कि हाँ ठीक है, बढ़िया लिखा, सही लिखा है, तब मुझे पूर्ण संतोष हो जाएगा। यही विचार करके वो वाल्मीकि ऋषि के पास गए और बोले कि महाराज, हमने राम जी का चरित्र लिखा है, आपको सुनाना चाहता हूँ। बोले निकालिए, सुनाइए। बोले निकालने और सुनाने वाला यहाँ नहीं है, आपको ले चलूँगा पर्वत पर, बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखा है। वाल्मीकि ऋषि को ले गए, संपूर्ण राम कथा जो लिखा था हनुमान जी ने सब सुना दिया। वाल्मीकि जी भाव विभोर हो गए, अश्रुपात होने लगा, गदगद हो गए, बड़ी प्रशंसा किया, हनुमान जी को पूर्ण संतुष्टि हुई। लेकिन इसके बाद वाल्मीकि जी उदास हो के बैठ गए। तब हनुमान जी ने पूछा, आप उदास क्यों हुए? वाल्मीकि जी ने कहा, इतना सरस और सुंदर रामचरित्र मैंने नहीं लिखा, आपकी इस रचना को जो सुनेगा तो निश्चित ही फिर मेरी रचना जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है वो नीरस दिखलाई पड़ेगी और फिर इसको कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा काव्य अब व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, आप जैसे महान राम भक्त को मेरी रचना से दुख हुआ तो मैं अपनी इस कृति को रखूँगा ही नहीं। हनुमान जी ने उठा उठा करके शिलाओं को सब समुद्र में फेंक दिया और इसके बाद स्वयं उदास होकर बैठ गए। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, अब आप क्यों उदास हुए? बोले, मुनि, आपके कारण ही मेरी रचना भगवान की चरित्र की फेंकनी पड़ी मुझे, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको श्राप दूंगा। हनुमान जी ने श्राप दे दिया वाल्मीकि को कि आपके कारण मेरा रामायण मुझे फेंकना पड़ा, तो मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से आपको रामायण लोक भाषा में लिखनी पड़ेगी और मेरी रामायण का आपको सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, हनुमान जी मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि कलयुग में आपको भी संत के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और आपको भी मेरी राम कथा को प्रचार करना पड़ेगा। फिर दोनों दुखी होकर बैठ गए कि हम लोगों ने इतने बड़े राम भक्त होकर एक दूसरे को श्राप क्यों दिया। तब राम जी प्रकट हो गए, दोनों लोगों ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम लोग आपके भक्त हैं फिर भी एक दूसरे को श्राप दिए। तो राम जी ने कहा, ये मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि कलयुग में तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, दोनों प्रकट हो और राम कथा का प्रचार करो। ये जो श्राप तुम लोगों ने एक दूसरे को दिया है मेरी इच्छा से हुआ है। तो हनुमान जी के श्राप से वाल्मीकि का जो जन्म हुआ वो तुलसीदास जी हुए और वाल्मीकि के श्राप से जो हनुमान जी का जन्म हुआ वो समर्थ गुरु रामदास हुए।
तुलसीदास जी का जन्म तो पहले हो गया था, 500 वर्ष के लगभग हो गया, और समर्थ गुरु रामदास का जन्म आज से लगभग 400 वर्ष पहले हुआ। तुलसीदास जी का चरित्र जब उनका प्रोफाइल में चित्र डाला जाएगा तब विस्तार से हम सुनाएंगे आपको। आज तो आपको समर्थ गुरु रामदास के विषय में सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कि रचना श्राप वाली आपने सुनी, उसके अनुसार हनुमान जी महाराज ही महाराष्ट्र में जांब गांव नाम की एक जगह पर राम नवमी के दिन एक बहुत ही महान राम भक्त दंपत्ति के यहाँ प्रकट हुए, और उनका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी, कोई भी चीज़ एक बार सुनते ही उनको याद हो जाती थी। संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण याद हो गया, उन्होंने लिख भी डाला, लिखकर प्रचार भी किया। और चंचलता इतनी ज़बरदस्त थी कि कभी पेड़ पर चढ़ के कूद जाते थे, कभी तालाब में तैरने लगते थे, माता पिता परेशान रहते थे। माता पिता ने जब बहुत समझाया कि बेटा ऐसी चंचलता ठीक नहीं है, गंभीर बनो, तब तो नारायण बालक इतने गंभीर हो गए कि एकदम वैराग्यवान हो गए। अब माता पिता को यह भय लगा कि इतना वैराग्यवान हो गया कहीं घर छोड़ के भाग न जाए, तो उन लोगों ने सोचा कि इस बालक की शादी कर दी जाए। शादी की पूरी तैयारी हो गई, यहाँ तक कि बारात भी चली गई, विवाह मंडप में दूल्हे के रूप में नारायण को सजा करके बैठा भी दिया गया, कन्या भी सम्मुख बैठी है, विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और विवाह के मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने वहाँ की रिवाज के अनुसार बोला, शुभम लग्नम सावधानम भव। अब नारायण सोचने लगे कि सावधानम भव क्यों कह रहे हैं, क्या मैं असावधान हूँ? इसके बाद दोबारा पंडित जी ने कहा, शुभम लग्नम सावधानम भव। तो जो अब तक पलथी मारे बैठे हुए थे नारायण, वो उकड़ू मुकड़ू बैठ गए बड़े सावधान से। तीसरी बार जब कहा शुभम लग्नम सावधानम भव, तब तो दूल्हा रूप में बैठे हुए नारायण उठे खड़े हुए, मौर उठा के फेंका दूर और भागे वहाँ से। इतनी तेज स्पीड में भागे कि पीछे भागने वाले कोई उनको पकड़ न सके, और वहाँ से भागते 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 नासिक जाकर पहुँचे। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे जाकर के खड़े हुए, और पीछे भागने वाले सब लोग रह गए बहुत दूर, कोई उनको पकड़ ही नहीं सका, किसी को ही पता नहीं चल पाया कि नारायण बालक भाग के कहाँ गया। वो नासिक में पंचवटी में गोदावरी में स्नान करके बस वहीं तुरंत ही खड़े होकर के जल में भगवान राम का नाम जपने लगे। इतना भाव से राम का नाम जपने लगे कि श्री राम जी महाराज लक्ष्मण सहित प्रकट हुए, और राम लक्ष्मण को उन्होंने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया, और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम ही इनकी दीक्षा करो और तुम इनके गुरु बनो। तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने ही नारायण की दीक्षा की और उनका नाम रामदास रखा। और सदा जपने के लिए श्री राम जय राम जय जय राम ये त्रयोदशाक्षर मंत्र बतलाया, और इसका वो जप कीर्तन चालू कर दिए। उस जगह जहाँ उन्होंने तप किया, रामदास जी महाराज ने बाद में इनका नाम समर्थ गुरु हो गया, तो समर्थ गुरु रामदास हो गए। जहाँ ये जाते थे वहाँ जय रघुवीर समर्थ बोलते थे, इसलिए समर्थ नाम जोड़ दिया गया इनके नाम में। कहीं भी भिक्षा लेने जाते थे किसी भाग्यशाली के दरवाजे पर, तो जय रघुवीर समर्थ, जैसे वृंदावन में राधे श्याम बोलते हैं भिक्षा लेने वाले साधु, और अयोध्या जी में सीताराम बोलते हैं, और जगन्नाथपुरी में जय जगदीश बोलते हैं। ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास जी जिसके दरवाजे पर भिक्षा लेने जाते थे तो वहाँ बोलते थे जय रघुवीर समर्थ, इसलिए उनका नाम ही समर्थ गुरु रामदास हो गया। महाराज उन्होंने वहाँ जहाँ तपस्या की थी गोबर, गाय के गोबर की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई,
वो श्री हनुमान जी महाराज जो गाय के गोबर के द्वारा बनाए गए हैं समर्थ गुरु रामदास के, वो 300 साल से ज़्यादा पुराने हैं और मैंने दर्शन किया उनका। आज भी गोबर के बने हुए हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, पूजा की जाती है और सब बताते हैं वहाँ के लोग कि गोबर के हैं और उन्हीं गुरु रामदास समर्थ गुरु रामदास के हाथ के बने हुए हैं। अब विचार करिए कि गोबर का बना हुआ स्वरूप आज तक न कोई घुन लगा, न कोई कीड़ा लगा, न कोई उसमें डिके हुआ, न कोई उसमें परिवर्तन हुआ, न कोई किसी प्रकार की क्षति हुई, कोई ह्रास नहीं हुआ, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऐसी विचित्र शक्ति समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की उन हनुमान जी के स्वरूप में दिखलाई पड़ती है। समर्थ गुरु रामदास ने बहुत दिन तप करने के बाद 12 वर्ष तक तप किया था उस जगह पर और उसके बाद फिर भिक्षावृत्ति जो संत को अपनाने के लिए शिक्षाएँ मिलती भिक्षा की, जिससे अहंकार तपस्या का न हो, सिद्धि का अहंकार न हो, इसलिए साधु को भिक्षा मांगने के लिए पहले कहा जाता था और संत लोग भिक्षा के लिए जाते थे। कुछ नियम रहता था कि 5 घर जाएंगे या अधिक से अधिक 7 घर जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं खाएंगे, तो ऐसे भिक्षा लेने के लिए वो जाते थे। और उन्होंने दासबोध एक ग्रंथ लिखा है, उसमें भिक्षा विवेक नामक एक अध्याय है, मैंने पढ़ा है उसको। उस अध्याय में वो कहते हैं भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव परिग्रह, असंतो वापि संतो वा सोमपानम दिने दिने। वो कहते हैं भिक्षाहारी जो होता है वो निराहारी होता है, भिक्षा परिग्रह नहीं होता है, चाहे उसके अंदर संतत्व तो कम भी हो उस साधु के अंदर, लेकिन भिक्षा विवेक सच्चा है तो उसके अंदर जैसे देवता सोम रस पान करें तो दैवत्व की वृद्धि होती है, ऐसे साधु के अंदर साधुता की वृद्धि होती है, ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं। बड़ा ही संतों का उपदेश उसमें है, बड़ा तपस्या में साधु जीवन था उनका। फिर उनकी तपस्या उनकी सिद्धि के विषय में छत्रपति शिवाजी महाराज को कहीं से सुनने को मिला और उनका मन मचल उठा उनका दर्शन करने के लिए। वो चल पड़े, आकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। उनके द्वारा समर्थ गुरु रामदास को यह सुनने को मिला कि इस्लाम के नियमों को बता करके कट्टर इस्लामिक कहलाने वाले म्लेच्छ लोग निर्दोष हिंदुओं को सता रहे हैं और बिना बात के मार रहे हैं, सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। सुन करके समर्थ गुरु रामदास द्रवित हो गए, आंखों में जल आ गया। उन्होंने शिवाजी को शिष्य बनाया और शिष्य बना करके कहा बेटा तुम हिंदुओं की रक्षा करो। समर्थ गुरु रामदास ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, हिंदुओं की रक्षा कर। और छत्रपति शिवाजी को बड़ी अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। एक दिन तो गुरुदेव महाराज स्वयं शिवाजी के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए भिक्षा लेने। तो शिवाजी ने सोचा कि घर ही तो गुरुदेव महाराज भिक्षा लेने आए, मैं क्या दूँ अब इनको। तो एक कागज पर उन्होंने लिखा मेरी संपूर्ण राज्य लक्ष्मी, संपूर्ण सल्तनत, संपूर्ण प्रॉपर्टी, धन संपदा सब कुछ गुरुदेव के भिक्षा में अर्पण है। और वो कागज़ डाल दिया, उन्होंने पढ़ा, बड़े खुश हुए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा बेटा सब मुझे दे दिया। हाँ गुरुदेव। और तब वो एक झोली लेकर के शिवाजी चल पड़े। तो समर्थ गुरु रामदास ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है। बोले गुरुदेव अब सब कुछ आपका हो गया, अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा, मैं तो भिक्षा मांगने जा रहा हूँ कहीं। बोले रुक जा, मुझे तूने दे दिया ना, चल ये मेरी गद्दी है, मेरा राज्य है, लेकिन आज से तू इसका मुनीम बन करके, मैनेजर बन करके संभालेगा, अब राजा बन करके नहीं तू सेवक बनकर रहेगा। और तुझे मैं निश्चिंत करता हूँ, अब कभी तुझे चिंता नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, सदा सफलता मिलेगी, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। कभी भी मुसलमान लोग इनको मारने के लिए छत्रपति शिवाजी को कहीं घेरते थे तो गुरुदेव के आशीर्वाद से वो अदृश्य हो जाते थे, शिवाजी को कोई मुसलमान देख नहीं पाता था। एक बार चारों तरफ से मुसलमानों की फौज ने शिवाजी को मारने के लिए घेर लिया तो उन्होंने गुरुदेव के याद किया, गुरु एक कीर्तन में वो बैठ गए, सारी कीर्तन मंडली और भक्तों को फौज ने घेरा,
एक एक को पकड़ करके देखा कि शिवाजी कौन है, लेकिन शिवाजी को भी देख करके वो नहीं समझ पाए कि यही शिवाजी हैं। ऐसी गुरुदेव की शक्ति शिवाजी की रक्षा करती थी। ये तो हिंदुओं की रक्षा वाली बात मैंने सुनाया, किंतु जो इनके शिष्य लोग थे, इनकी साधुता की रक्षा हमेशा गुरुदेव समर्थ गुरु महाराज करते रहते थे। उनमें से एक अंबाजी नाम के संत थे, तो अंबाजी के ऊपर बड़ी कृपा रहती थी। तो नासमझी के कारण और संत लोग सोचते थे कि ये अंबाजी के ऊपर महाराज की कृपा विशेष क्यों रहती है, उसका कारण क्या है, हम लोग क्या इनके शिष्य नहीं हैं। तो उस रहस्य को खोलने के लिए, श्रद्धा की महिमा दिखाने के लिए, एक दिन समर्थ गुरु रामदास एक कुएं के पास ले गए सबको, जहाँ एक पेड़ की डाल कुएं के ऊपर थी जिससे सारा जल गंदा हो रहा था। उन्होंने कहा, भाई इस पेड़ की डाल को इस पर चढ़ करके कोई काट सके तो काटो। और सब शिष्यों ने देख लिया कि जो इस डाल को काटेगा वो निश्चित ही कुएं में गिर जाएगा और अपार गहराई में पहुंच जाएगा, मर जाएगा, निकल तो पाएगा नहीं। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंबाजी उस पेड़ पर से चढ़ते 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 उस डाली पर आए जहाँ कुएं के ऊपर लटकी थी और काटने लगे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटा बुद्धि तेरी क्या हो गई, खराब हो गई क्या, तू डाल काट रहा, डाल कटते ही जाएगा कुएं में और तू तो कुएं में चला जाएगा, डूब जाएगा। अंबाजी मुस्करा के बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करने पर मैं डूबूंगा मुझे ये विश्वास नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने पर तो सदा जीव का उद्धार होता है, डूबेगा कैसे, इसी विश्वास से मैं काट रहा हूँ। बोले ये विश्वास है तो काटो, और डाली कटते ही वो कुएं में गिर गए वो। और सब शिष्य चिल्लाने लगे कि वो अंबाजी दास तो मर गए, लेकिन उसी समय जल उस पर तेजी से ऊपर बढ़ा और गुरुदेव ने हाथ पकड़ करके अंबादास को निकाला और वे तो भाव विभोर थे। बोले बेटा इतना तो हंस क्यों रहा। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया, मुझे राम जी का दर्शन कुएं के अंदर हुआ है और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बोले तूने कहा कि तेरा कल्याण हो गया तो आज से तेरा नाम कल्याण दास रखते हैं। इस तरह से अंबादास जी का नाम कल्याण दास पड़ गया। संतों की परीक्षा समय समय पर किया करते थे, जो बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं। एक बार समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्य संतों की श्रद्धा की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कराहने का नाटक किया, बड़ी जोर जोर से करा रहे थे। सब शिष्य भागे आए, गुरुदेव क्या बात है। बोले देखो मेरे पैर में ऐसा फोड़ा हुआ है कि मैं अब रोक नहीं पा रहा हूँ अपनी कराह को, इतना दर्द हो रहा है। वो पैर आगे करके बैठे थे, उस पर पट्टी बांधे थे। तो सब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये ठीक कैसे होगा। बोले कोई दवाई से नहीं ठीक हो सकता है, यदि कोई इस फोड़े को अपने मुंह से चूस ले उसकी मवाद को तो ठीक हो सकता है। तो जिनकी श्रद्धा कमज़ोर थी वो लोग तो पीछे चले गए। एक बहुत महान शिष्य थे, वो आए और उन्होंने पट्टी को हटाया और मुंह अपना लगा दिया फोड़े पर और उसको चूसे। अब पूरा चूसने के बाद खूब हंसने लगे। शिष्य लोगों ने कहा कि आप हंस रहे हैं, मवाद सब पी गए। तो हंस करके बोले गुरुदेव ऐसा फोड़ा आपको रोज़ निकले तो हम तो रोज़ाना चूसें। सच्चाई क्या थी कि फोड़ा नहीं था, वहाँ समर्थ गुरु महाराज ने एक आम पका हुआ बांधा था, वो आम ही चूस लिया था उन्होंने। ऐसी परीक्षा लेते थे। एक जब थोड़ी वृद्धावस्था महाराज जी की दिखलाई पड़ने लगी थी, तो भगवान राम जी की प्रसादी का पान वो मांगते थे। तो एक शिष्य था जो बहुत ही भक्त था, वो अपने दांत से, बात ये थी उन्होंने कहा था कि भाई कूट करके लाया करो जैसे जल्दी मैं खा सकूं, तो अपने दांत से ही चबा करके वो ला करके गुरु जी को देता था। और ये शिकायत फैल गई कि वो अपने दांत से कूट के लाता है। शिवाजी के पास तक बात पहुँचे, शिवाजी आए, बोले गुरुदेव आपके लिए पान जो राम जी का प्रसाद आता है वो कौन कूट के लाता है। बोले बुलाते हैं। बुला लिया उस सेवक को। सेवक कितना सच्चा था,
छत्रपति शिवाजी ने डांट करके कहा, ये कौन सी ओखली में कूटता है, कौन सी खरल में कूटता है? बोला कि वो मैंने गुरुदेव के लिए रखा है। जबड़े की एक तरफ से ही वो भोजन करता था, दूसरी तरफ से गुरुदेव की ओखली समझ करके वो पान कूटता था। छत्रपति शिवाजी ने कहा, उसको मेरे अपने हाथ में लेकर के आओ। बड़े आश्चर्य की बात है, कितना वीर व्यक्ति था वो, कि उसने चाकू से अपना जबड़ा काट दिया और हाथ में लेकर के आया। फिर बोल तो सकता नहीं था, गिर गया जब धरती पर, इशारा किया कि यही ओखली है जिससे मैं पान कूटता हूँ गुरुदेव का। बस समर्थ गुरु रामदास ने सिर पर हाथ फेरा और जय रघुवीर समर्थ करके बोल करके कहा, बेटा तेरा प्रारब्ध पूर्ण हो गया था, तू भगवान के धाम में सीधा जा। और छत्रपति शिवाजी गुरु के चरणों में पड़ करके क्षमा मांगने लगे, रोने लगे कि आपका ऐसा भी भक्त है जिसके अंदर इतना समर्पण हो सकता है, ये मैं समझा नहीं था। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके सेवक एक से एक विलक्षण हैं, मैं उस जगह पहुंच नहीं सकता हूं। तो ऐसी अद्भुत श्रद्धा थी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के भक्त लोग तो श्रद्धावान थे ही, छत्रपति शिवाजी में भी कम श्रद्धा नहीं थी। सिंघनी का दूध भी उन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से जा कर के अपने हाथ से निकाला था और सिंघनी कुछ नहीं बोली थी, उन्होंने बस ये कह दिया था, गुरुदेव की आज्ञा से मैं तुम्हारा दूध लेने आया हूँ। अनंत कथाएँ हैं, कहाँ तक सुनाई जाए। जय श्री राधे।